सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग कहानी एक उस राष्ट्रवादी मुसलमान नेता की करेंगे जिसको अपना राष्ट्रवाद बताने के लिए किसी किस्म की घोषणा की ज़रूरत नहीं हुई, किसी किस्म का दावा करने की ज़रूरत नहीं हुई, जो कहीं ढिंढोरा पीटता नहीं रहा और जिसने कायदे से कांग्रेस की भी पॉलिटिक्स उस तरह से नहीं की जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान बहुत आम था। ये सज्जन हैं जाकिर हुसैन, जो देश के तीसरे राष्ट्रपति बने, बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन उनका ये काम सब लोग मानते हैं कि महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जो उन्होंने आज़ादी के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान मुल्क में किया, उत्तर भारत में किया और इसका माध्यम सबसे बड़ा बना जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जाकिर साहब एक पठान परिवार से थे, बड़े लंबे तगड़े खूबसूरत गोरे चिट्टे, उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि जो भी देखता था वो हैरान रह जाता था। पढ़ाई उनके पिता हैदराबाद में थे, प्रेस का कामकाज करते थे, कानून की किताबें छापते थे, लेकिन जल्दी उनकी मौत होने के चलते जाकिर साहब को वापस लौटना पड़ा। कासगंज के थे वो, उत्तर प्रदेश एटा के, और उनकी पढ़ाई अलीगढ़ में इटावा में हुई, शुरू में एक मदरसे में और फिर वो अलीगढ़ में पढ़ने आए। अलीगढ़ में ही फिर वो पढ़ाने लगे। खिलाफत के दौरान भी, खिलाफत का आंदोलन जब इतना कुछ पीक पर चढ़ा, उस दौरान तक वो पढ़ाने लगे थे, अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे थे और अध्यापन भी उन्होंने शुरू कर दिया था एएमयू में। जब खिलाफत का समर्थन मांगने के लिए गांधी और मोहम्मद अली एक अखबार निकालते थे और जाकिर साहब ने लिखा है कि किस तरह जब वो मदरसे में पढ़ाई करते थे तो वो लोग उस अखबार का इंतज़ार करते थे और खिलाफत के सवाल पे उनके मन में किस किस्म से गुस्सा था, उनके मन में, माने उनके और उनके दोस्तों के मन में जो उस मदरसे में पढ़ते थे। इससे अंदाज़ा होता है कि गांधी ने किस तरह से मुल्क के मुसलमानों के दुखती रग पे एक तरह से हाथ रखा और उनका समर्थन अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई में लिया और फिर वो उस तरह की हिंदू मुस्लिम एकता फिर बाद तक दिखाई नहीं दी। उसकी और काफ़ी वजह हैं, मैं उन वजहों में नहीं जाऊंगा, लेकिन जाकिर साहब उस समय तक जामिया में पढ़ाने भी लगे थे, एएमयू में पढ़ाने भी लगे थे। गांधी और मोहम्मद अली जब एएमयू आए तो इन लोगों की उम्मीद के अनुसार, इन दोनों की भी और जाकिर साहब जैसे नौजवानों के भी, राष्ट्रवादी नौजवानों के हिसाब से भी उनका स्वागत नहीं हुआ। वहाँ दो गुट थे, एक सपोर्ट कर रहा था, एक विरोध कर रहा था, तो जाकिर साहब को इसका बड़ा अफसोस हुआ। और फिर बाद में एएमयू में भी दो ग्रुप बने और दो हिस्से चले, एक राष्ट्रवादियों का और एक सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स जो लोग करने लगे थे उनका धड़ा चला। तो जाकिर साहब उस ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने वहाँ राष्ट्रवादी शिक्षा की व्यवस्था को स्वीकार किया और अलग से जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना हुई। उस समय भी जाकिर साहब इस तरफ थे, उसके जो जामिया के उस समय जो प्रमुख बनाए गए वो अजमल खान साहब को पहला चांसलर बनाया गया और मोहम्मद अली उसके वाइस चांसलर बने, जाकिर साहब भी अध्यापक थे। इसके बाद वो जर्मनी गए और जर्मनी पीएचडी करने गए, उनके किसी मित्र ने उनका सारा खर्चा उठाया और लगभग ज़बरदस्ती उनको भेजा कि और पढ़ाई अभी कर लो, बाद में पढ़ाई पूरी नहीं होगी। वहाँ उनके अच्छे दोस्त मिले, मुजीब साहब, मोहम्मद मुजीब और आबिद हुसैन, ये लोग भी जामिया लौटे और इन तीनों ने वहाँ अध्यापन शुरू किया। उस ज़माने में जामिया के पास संसाधनों की भारी कमी थी और लौटने के तुरंत बाद जाकिर साहब को जामिया का वाइस चांसलर बना दिया गया, तो यूनिवर्सिटी चलाने का जिम्मा उन्हीं के ऊपर आ गया। तब जामिया करोलबाग के एक इमारत से चलता था और जाकिर साहब वहीं रहते थे, सब लोग वहीं रहते थे। उस ज़माने में जाकिर साहब ने अपने दोस्तों को 300-300 रुपये की तनख्वाह दिलवाई थी और खुद 100 रुपये के तनख्वाह पे काम करते थे। ये 100 रुपया भी उनको पूरा नहीं मिलता था, फिर ये घट के 80 रुपये हुआ और इसका आधा हिस्सा ही उनको मिलता था, आधा
फंड के नाम पे जमा हो जाता था। जब उनके दोस्तों को ये मालूम हुआ कि वो 40 रुपये 50 रुपये तनख्वाह लेते हैं, तो उन्होंने भी लड़के अपनी तनख्वाह कम कराई। लेकिन जाकिर साहब वाली मुश्किल किसी और के यहाँ नहीं थी, जाकिर साहब के यहाँ सचमुच में तंगी रही। और तंगी का आलम यह था कि अपनी बीवी से, उनकी पत्नी का नाम शहजादा बेगम था, शहजादा बेगम के मायके से कुछ प्रॉपर्टी थी, उसका किराया आता था, तो वो पैसा कुछ 10 रुपये शायद इनको अपने घर के जो किराए से पैसा आता था कासगंज वाले घर से, तो उससे इनका खर्चा चलता था। और खर्चे का हाल ये था, काफ़ी सारे जो करीबी दोस्त हैं उनका, कि बीवी के आगे सचमुच गिड़गिड़ाते वो पैसा मांगते थे, लेकिन उनके बाहर के व्यवहार में कभी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी और खादी उन पे ऐसी फबती थी कि किसी को ये अंदाज़ा नहीं लग सकता था कि इस आदमी को इतनी आर्थिक मुश्किल है, और इतनी आर्थिक मुश्किलों के बाद भी वो जामिया चलाते रहे हैं। जाकिर साहब का कि ये तंगी चलती रही और उन्होंने 24 घंटे जामिया को देना कबूल किया, ज़मीन से ले के उसके हर चीज़ का इंजाम किया, कहाँ कहाँ से चंदे लेके आए, हैदराबाद के नवाब से काफ़ी पैसा लेके आए। और इस पूरे दौर में ये खतरा भी था कि अगर जाकिर साहब या जामिया गांधी के तरफ ज़्यादा झुकी हुई दिखाई देगी या पैसे पे उन पे ज़्यादा निर्भर होगी, तो मुसलमानों के बीच उसकी स्थिति संदिग्ध हो जाएगी। तो इसलिए गांधी से समर्थन भी लेना है, राष्ट्रवादी आंदोलन से समर्थन भी लेना है, और एक सेफ सुरक्षित दूरी बना के चलना है। इसके बगैर जामिया खड़ा नहीं, क्योंकि उस समय उसकी विश्वसनीयता का सवाल था। जाकिर साहब ने ये काम बखूबी किया, और गांधी से जब मिलना भी हुआ तो भी उन्होंने कोई ऐसी भक्ति और ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया, और गांधी ने भी कोई मदद इस तरह की नहीं की जिससे जामिया पे उनका ठप्पा लगे। ये आपसी सहमति का मसला था, और इससे जामिया चलता रहा, और अच्छे भले विश्वविद्यालय के तौर पे जामिया ने कामकाज शुरू किया। ओखला गांव में उनको ज़मीन मिली और उस ज़मीन पे विश्वविद्यालय खड़ा हुआ, जो आज इतना बड़ा कैंपस है और मुल्क और दुनिया में उसका अपना यश है। कितना वो स्नेह करते थे, आज की कहानी उससे जुड़ी हुई है, और किस जतन से वो काम करते थे ये बताने के लिए ये कहानी अपने आप में पर्याप्त है। इसी जामिया का किस्सा है कि 30 में सिविल नाफरमानी के समय उन्होंने सचमुच राष्ट्रवादियों ग्रुप से रिश्ता अलग रखा था थोड़ा, लेकिन 33 में वो जब अपने जामिया के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कोई पुरस्कार बांट रहे थे, तो उसी दौरान विश्वविद्यालय का एक प्यून आया और उसने उनको खबर दी कि आपकी बेटी बीमार है, सख्त बीमार है, आप घर चलिए, बेगम ने आपको बुलाया है। वो अपना पुरस्कार बांटते रहे, थोड़े समय बाद वो फिर वापस आया और उसने आके खबर दी कि अब आपकी बेटी ख़त्म हो गई है, अब तो चलिए। जाकिर साहब ने पूरा प्रोग्राम ख़त्म किया, और ख़त्म करने के बाद घर गए। उनके दोस्तों ने, ख़ासतौर से मुजीब साहब जैसे दोस्त, उनकी हर बात जिनकी होती थी, उन्होंने पूछा कि आप गए क्यों नहीं उस वक्त। तो उन्होंने कहा, इतने बच्चे ऐसे खुश थे, अगर मैं बीच में चला जाता तो ये चर्चा होती कि क्यों गए हैं, और फिर वो बेचारे सब मायूस हो जाते, तो मैं उनकी खुशी कम नहीं करना चाहता था, और इसीलिए वहाँ टिका रहा। और बाद की कहानी सब जानते हैं, मुजीब साहब ने लिखा है अपनी किताब में कि कई रातें, वो बेटी बड़ी खूबसूरत थी और इनकी बहुत प्रिय थी, कि काफ़ी रातें उन्होंने रोते हुए गुजारी, उनका तकिया सुबह गीला मिलता था, लेकिन ये गम उन्होंने कभी बाहर जाहिर नहीं होने दिया। और इतनी मुश्किल कैसे झेली उन्होंने, इसका हिसाब एक इस उदाहरण से मिल सकता है कि जब वो राष्ट्रपति बने तो उस समय एक आदमी को वहाँ हर कमरे में हर जगह जाने की इजाज़त थी, ऐसा पास उसको दिया गया था और ऐसा निर्देश दिया गया था, और ये सज्जन थे सुब्बा नाम के एक किराना व्यापारी, और ये वही व्यापारी थे जो जाकिर साहब के परिवार को लगातार उधार दे के उस दौर में खाने पीने का सामान मुहैया कराते रहे, जिस दौर में परिवार में सबसे कम आमदनी थी और सबसे आर्थिक मुश्किल का दौर था,
उस दौर में इसी सूबा ने परिवार की मदद की थी और उसका एहसान जाकिर साहब ने ऐसे माना था, तो सूबा की एंट्री लगभग हर जगह थी। इतने जतन से जाकिर हुसैन ने जामिया को खड़ा किया। आज जामिया कहाँ है, जाकिर साहब भी वहीं लेटे हुए हैं, उनकी कब्र उसी जगह बनी हुई है। लेकिन ऐसे लोगों के डेडिकेशन के बगैर, और जाकिर साहब का कंट्रीब्यूशन सिर्फ जामिया नहीं है, बुनियादी तालीम का पूरा कंसेप्ट उनका दिया हुआ है। और जब वर्धा में सेवाग्राम में मीटिंग हो रही थी बुनियादी तालीम की 30s में ही, जब तक गांधी का प्रयोग शिक्षा का एक स्तर पे आ गया था, तो जाकिर साहब अकेले आदमी थे जिन्होंने कहा था कि ये ज़्यादा काम कराने वाला तकली, चरखा, करखा, लोहारी, बढ़ईगिरी, ये सब सिखाने का काम ठीक है, होना चाहिए, शिक्षा के साथ वोकेशनलाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन इसको कंपलसरी करेंगे तो शिक्षक जो हैं, जो ये काम कराएंगे, वो जल्लाद बन जाएंगे और बच्चों पे ये एक नया बोझ होगा। इस बात से हर आदमी हैरान था कि कोई एक आदमी जो बुनियादी तालीम से उस तरह से बाहर का है, वो ये बातें कह रहा है। लेकिन गांधी को ये बात इतनी पसंद आई कि उसने जाकिर हुसैन को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया जिसको बुनियादी तालीम का स्वरूप गढ़ने की जिम्मा दिया गया। और आज भी जाकिर हुसैन कमेटी की रिपोर्ट लागू होने का इंतजार कर रही है। तो शिक्षा में जो उनका योगदान है और तालीम में भी, अल्पसंख्यकों की तालीम में जो उनका योगदान है, वो इतना बड़ा है, और किस निश्चय से और किस मजबूती से उन्होंने किया, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो उसकी एक झलक देती है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आज बस इतना ही।